और रायपुर से ही अगली बड़ी खबर, जहां सीएम हाउस में आज तीजापोरा पर्व का आयोजन होगा। 11 बजे तीजापोरा पर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा। पारंपरिक साज सज्जा के बीच ये आयोजन होगा। पर्व की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। छत्तीसगढ़िया थीम के आधार पर उत्सव का माहौल तैयार है। और स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति, आज तीजापोरा त्योहार जो है वो मनाया जाएगा, किस तरह से मनाया जाएगा? जी देखिए, तीजापोरा का त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए अपना एक बड़ा और पारंपरिक त्यौहार है। तीजा खैर आज नहीं है, तीजा आज से दो दिन बाद होगा, लेकिन उसमें माताएं जो है वो व्रत रखती हैं और अपने मायके जाती हैं, मतलब अपने पिता और भाई के घर जो है वो जाती हैं। तो उसके पहले ही सीएम हाउस में इस पारंपरिक त्यौहार का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में पोला तिहार के रूप में मनाया जाता है। पोला के दिन ये किसानों का बड़ा अपना त्यौहार है। ग्रामीण परिवेश में इसको बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। उसी के तर्ज पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सीएम हाउस में इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम का जायजा लेते हुए खुद मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी है बृंदेश्वरी, मुख्यमंत्री जी की जो धर्मपत्नी है, उन्होंने कल खुद जो कार्यक्रम का पूरा आयोजन होने जा रहा है उसकी देर शाम पूरे कार्यक्रमों का जायजा लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास को आज मायके के रूप में सजाया जा रहा है और जो तमाम जो बहनें हैं वो वहां पर आएंगी। तो प्रदेश भर से बहुत सी जो माताएं बहनें हैं वो कार्यक्रम में हिस्सा लेने वहां पर पहुंचती हैं। कई तरह के व्यंजनों का, छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है वो वहां पर बनाए जाते हैं। तो एक तरीके से इस तरह के जो आयोजन है जो सीएम हाउस में किए जा रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सीएम हाउस में निवास करने के बाद जो है वो शुरू किए गए हैं परंपरागत तरीके से मनाए जाना, तो उसका एक हिस्सा है। व्यंजनों का खासा महत्व रहता है, पूजा पाठ का खासा महत्व रहता है। तो बैल की जोड़ी हो गई, उसकी आज के दिन पूजा होती है। आज के दिन हल की जो है वो पूजा की जाती है। तो किसानी से जुड़ा हुआ है ये एक और त्यौहार है छत्तीसगढ़ का पोला, जिसको आज भव्य तरीके से सीएम हाउस में मनाया जाएगा। तो वहीं तीजा जो है दो दिन बाद है, तो तीजा के लिए भी आज सीएम हाउस में बहनों को बुलाया जा रहा है। और करुभात एक नियम होता है यहाँ का, एक पारंपरिक वो रहता है कि तीजा का उपवास रखते हैं पूरा दिन, 24 घंटे निर्जला उपवास। उसके पहले परंपरागत तरीके से करेले के साथ जो है, करेले की सब्जी के साथ खाना खाने का जो है वो रिवाज है। तो करुभात का आयोजन भी सीएम हाउस में किया जा रहा है। तो तमाम जो आज का दिन है सीएम हाउस के लिए वो पारंपरिक त्योहारों का दिन रहेगा और हजारों की संख्या में जो बहने हैं वो सीएम हाउस पहुंचेंगी। स्वाति, आम महिलाओं के लिए भी आज सीएम हाउस में प्रवेश होगा? जी देखिए, प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक तो बिल्कुल व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि आम महिलाएं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो महिलाएं आ रही हैं उनको बकायदा वहां पर जाने की परमिशन जो है वो मिल जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वाति तमाम जानकारी के लिए।